मार्केट में रैली आया ना, रैली आने के बाद मार्केट ना एक बार के लिए ऐसे होल्ड करने लगता है, टाइम स्पेंड करता है। अब ऐसा जगह पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया डाउन साइड में। अब काफी लोग इसको देख के डर जाते हैं और इस जगह पे लोग एग्जिट भी ले लेते हैं, है ना। इस जगह पे लोग क्या करते हैं, एग्जिट ले लेते हैं ये डर के कि मार्केट और गिरेगा। लेकिन ये जो इस तरीके से फॉल आया ना, उसके बाद दूसरा कैंडल डाउन साइड का नहीं बनता है। ये जब फॉल आया अचानक से अनसडन, ये फॉल आना नहीं था, इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है, वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ऐसा फॉल आ गया। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही गिरता ना वापस देखेंगे आप, ठीक संग संग थोड़ा देर के अंदर में मार्केट क्या करता है, रिकवर कर लेता है, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ये एडवांटेज है इसका, ये अगर ऐसा क्रिएट नहीं होता तो मार्केट में ये रिकवरी देखने को नहीं मिलता। ठीक यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए एक रैली आया है, मार्केट होल्ड करता है। अब होल्ड करने के बाद अगर यहाँ पे अनसर्टन ऐसे रेड कैंडल बनता भी है ना, तो फिर वापस मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर लेगा। अब इस जगह पे जब फॉल आता है तो काफ़ी लोग एग्जिट ले लेते हैं, लेकिन फॉल आने से क्या आपको मार्केट में एक अच्छा रैली मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी मार्केट ऊपर जाने से पहले गिरता है फिर ऊपर जाता है, गिरता है फिर ऊपर जाता है, गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ गिरेगा तब ना ऊपर, समझ में आ रहा मार्केट कैसे चलता है। मार्केट में जब तक मार्केट गिरेगा नहीं तब तक उसको मजबूती नहीं मिलेगा, वो अच्छे से बाउंस बैक नहीं कर पाएगा।